रूल्स हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा है, पार्क नहीं बनाया गया है, नाली नहीं बनाई गई है, रोड नहीं बनाई गई है, ठीक, जो भी वहां पे जिसका उन्होंने पालन ना किया हो उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं नगर निगम में। ऑलरेडी कंप्लेंट है, बट क्या हुआ था कि जैसे मैं कलेक्टर में कंप्लेंट किया, नगर पालिका में किया, SDM ऑफिस को किया, सारी जगह जितने भी डिपार्टमेंट हो, लगभग 11-12 डिपार्टमेंट्स मैंने कंप्लेंट किया। लेकिन हर डिपार्टमेंट वाला क्या करता है, इधर का कलेक्टेड वाला नगर पालिका पहुंचा देता है, नगर पालिका वाले पुलिस को पहुंचा देते हैं, पुलिस वाला बोलते हैं हमारे को दस्तावेज ही नहीं मिले। मतलब बातें घूम फिर करके ऐसी आ जाती है कि उनकी जब कलम फंस कागज जाती है। कागज बिल्कुल घोड़े की रफ्तार से दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो पहुंचते कहीं नहीं है, दौड़ते जी, रहते हैं। शासकीय सरकारी तंत्र की ये विशेषता है कि उनके लेटर पर लेटर जा रहे हैं। जैसे एक लेटर भेजे तो बगल में दूसरी शाखा है, कमिश्नर से कलेक्ट्रेट में जाने के लिए उसको लगते हैं 4 महीने, 2 महीने, उसकी बड़ी धीमी रफ्तार रहती है। वो इतना दूर से चल के जाता है तो वो तो पत्राचार ही होता रहेगा। इसके लिए आप RTI से जानकारी मांगे, है ना, जो आपने कलेक्टर को लेटर दिया था इस दिनांक को, उस पत्र के संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाही की नोट शीट एवं समस्त ब्यौरे की प्रमाणित प्रति, ऐसा यदि आपने कमिश्नर को दिया है तो उनसे मांगे, तो फिर शायद वो आपको बाध्य होंगे बताने के लिए कि इसमें हमने क्या कार्यवाही की है। जैसे हाँ SP को आपने पत्र लिखा है कि यहाँ पे ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, या कि आपने जो मेन नगर पालिका का तो ऐसे चलता रहेगा, आप देंगे कलेक्टर के पास तो वो कलेक्टर के पास नहीं पहुंचेगा, उसका बाबू रखा रहेगा, कमिश्नर को देंगे तो वो जो प्लाटिंग कर रहे हैं, जो कॉलोनाइजर हैं। मैं तो अभी भी कोई भी ऐसा शिकायत करता हूँ तो मैं तो उसमें ऐसा करता हूँ कि मैंने जो शिकायत किया, ज्यादा से 15 से 20 दिन का मैं इंतजार करता हूँ और उसमें मैं RTI लगा देता हूँ कि क्या हाँ बिल्कुल कार्रवाई हुई। इवन बिल्कुल उसमें कार्रवाई भी होती है तो वो तत्काल आकर के मतलब कार्रवाई करने के उन लोग कुछ करते हैं कि जांच करी जाए, लेकिन जांच आगे हो नहीं पाती है। नहीं तो आगे नहीं हो पाती है, तो आप उसकी आगे भी शिकायत करें, उसकी चलिए शिकायत चलिए, ठीक, आप कर सकते हैं। उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं कि सारे हमने ऐसा ऐसा किया और इसके बाद जो है ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। चूंकि यदि वो एक गार्डन निकाल देते हैं, एक खेल का मैदान बना देते हैं, तो उनका करोड़ों का खेल हो जाता है। यदि कोई नहीं। व्यक्ति कॉलोनी डेवलप कर रहा है तो उसमें जो रूल्स हैं वो रूल ये हैं कि आप वहां पे कुछ व्यवस्थाएं हैं प्राथमिक जो आपको करना होगा, गार्डन बनाना होगा एक आठो, ठीक, वहां पे खेल के मैदान होंगे एक छोटे छोटे, जो भी उनका नियम है। रोड का साथ कर दिया गया है कि 30 फीट या 25 फीट रोड अनिवार्य रूप से आपको देनी होगी। ऐसा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो नियम लेआउट वगैरह जो निकाला जाता है उसमें जैसे उनके, तो देखिए वो उसका पालन नहीं करते, वो 15 फीट की रोडों में अपना काम चला लेते हैं, 20 फीट की रोड में काम चला लेते हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि उन्होंने जो बिल्कुल प्लान है उसका पालन नहीं किया है, क्योंकि नियम का यदि पालन करेंगे तो रेट वही ले रहे हैं। आप खरीदने जाते हो तो आपसे 1,000 रुपए स्क्वायर फीट ही लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने वही चीजों में पूरे में टैक्स बचाया है, पूरे में चोरी की है। वो गार्डन नहीं बनाए, वो रोड की एरिया कम कर दिए, अब वो 15 फीट की रोड निकाल दिए, मेन रोड 20 फीट की निकाले। यहाँ लोग बताते हैं 20 फीट की रोड, 20 फीट की रोड नाली सहित, ये नहीं नाली। कहते नाली सहित है, 20 फीट की रोड है, जबकि रोड और नाली का अलग अलग उसमें वो है। तो इसके लिए आप कंप्लेन, हाँ, इसके लिए आप कंप्लेंट बाकी करें उसमें। तो ऐसे ही यदि आप आवेदन देंगे तो वहां पे कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो लोग अच्छा खासा पैसा देते हैं। जो हकीकत है, जो ग्राउंड की जो बात है वो ये है कि वो जैसे आप तो शिकायत करके आ गए, वो लोग गए तो उसको बोले कि यदि हम ये रोड 50 फीट की कर देंगे, 30 फीट की कर देंगे तो हमारा इतना निकल जाएगा, इसमें इतने करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। वो उतना पैसा दे दिए कुछ उनको, इसीलिए वो उसमें कुछ मैं तो कार्यवाही उसमें करते बताना नहीं। चाहूंगा, जी, जैसे छिंदवाड़ा जिले की मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पर लगभग नगर पालिका क्षेत्र में 80 कॉलोनाइजर पे कंप्लेंट FIR करवाई गई है नगर पालिका के द्वारा, लेकिन सिर्फ FIR एक के ऊपर की गई है, वो भी 4-5 सालों में, बाकी किसी के ऊपर FIR तक की नहीं की गई अभी। वो तो और अभी जबकि मीटिंग सारे में चर्चा, दर्ज दर्ज जाए सब। हाँ
वो तो पीयूष अभी मीटिंग में चर्चा हो रही थी, बाण सागर में करोड़ों अरबों का घोटाला था जिसमें शासन ने स्वीकृति ही नहीं दी कि इनके ऊपर कोई कार्यवाही हो, प्रमाणित हो चुका उनको जेल ना हो, सरकार बचा रही है, क्या करेंगे? जी सही बात है। वो चलिए नहीं उसके लिए तो चाहते। आप लोगों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, हाँ नहीं, आप देखिए उसके लिए जब आप तक कि अपन शिकायत संघर्ष करें, करना नहीं करते। बिल्कुल नहीं, हम तो यही जी यही कर रहे हैं कि सब लोगों को, आपस के लोगों को मोटिवेट करिए, यदि वहां पे ऐसा नहीं है तो उसको जो वहां पे लोकल समाचार पत्र है उसमें निकलवाइए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निकलवाइए, मीडिया कवरेज जी करे। जी कॉलोनी बन रही है जिसमें कोई सुविधाएं नहीं है, सिटी एवं कंट्री प्लानिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, फिर जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी वहां पे जाएंगे। जब आप 50 लोग जाएंगे वहां पे उसका विरोध करेंगे, ठीक, रोक लगवाएंगे, उसमें कोई ना खरीदे, तो उसके बहुत सारी चीजें जो है, तो करने से आपको ये लाभ होगा कि लोगों में जागरूकता आएगी। भाई अभी लोगों को पता ही नहीं कि सीएम थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा इनको सुरेश उपाध्याय जी को भी सुन लिया जाए। अभी कुछ बता रहे थे, इनकी भी कुछ समस्या थी, और पीयूष जी का मुझे उम्मीद है कि समस्या का समाधान हो गया है, और फिर अगले भी डिस्कशन में जारी रहेगा। आप अपनी समस्या, हाँ बताइए सुरेश जी। बताएं। एक निवेदन ये था, एक आरटीआई लगाई गई थी आबकारी विभाग में। हाँ, आबकारी विभाग से एक पत्र आया कि आप 4-2 पेज की जानकारी है, 4 रुपए जमा करके और जानकारी ले लें। और हम लोग जब वहां गए लेने के लिए उसको, तो वहां पर वो बोले कि हम कैश नहीं लेंगे और हमको चालान चाहिए। नहीं तो हो गए, कहेंगे नहीं अम्मा केस लगी। उनको ये बोले कि आप, उनको ये बोले कि आप लिख के दें कि हमको चालान चाहिए, ऐसा नहीं है, वहाँ पे रसीद रहती है और आप किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, चालान के माध्यम से, स्टाम्प के माध्यम से, या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से फीस पे कर सकते हैं जो शासन के खाते में चली जाए। ये सब मना कर दिए कि बोले ये नहीं, वो हमको चलाना चाहिए 4 रुपए का। नहीं सुनिए, इसमें सुरेश जी आप उनसे बोलिए कि ये पत्र उन्होंने दिया है आपको क्या, कि आप 4 रुपए जमा करके दो पेज का ले जाइए, इस तरह से पत्र आपको मिल गया है। ये पत्र है। हाँ ठीक है, अब आप इस पत्र को आधार बनाकर, और यदि वहां पे गए हों, यदि आपके पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो, जब वो ऐसा कह रहे हैं आपको बाध्य कर रहे हैं, तो उसकी एक सीडी बनाकर आप आयोग में धारा 18 के तहत शिकायत कर दीजिए। ये लगभग हर विभाग में समस्या आ रही है। रीवा में अभी भी उनका जो भी ऑफिशियल पत्र जारी होता है, मेरे पास भी उनके सब पत्र रखे हुए हैं, और मैं उनको बार बार कहता हूँ कि आप लोग ये सब इसमें ना लिखा करिए कि चालान के माध्यम से इस ट्रेजरी हेड में जमा करना है। हम इनको ये कहते हैं कि आप इसमें ऑप्शन दीजिए कि आप या कि चालान के माध्यम से, या कि पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से, या स्टाम्प के माध्यम से, या कि नगद रसीद लेकर के आप किस जमा कर कागजात प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग लिखा के, तो कुछ में तो उनका सुधार हो रहा है। हमें तो बाध्य नहीं करते, जान उनको पता है कि हमें बाध्य करेंगे तो समस्या हो जाएगी, लेकिन मैंने इस मुद्दे का जब नोट किया हुआ है, मैं स्वयं उठाया हूँ, आप इसको एक धारा 18 की शिकायत करिए, उनके ऊपर कार्यवाही होगी, वो इस तरह से बाध्य नहीं कर सकते। यहाँ पर सर्वे सोनी अभी नहीं, हमें लगता है कि बाहर चले गए हैं। एक वन विभाग का मामला ऐसे हुआ था जिसमें डीएफओ के ऊपर जुर्माना लगा था, इसी बात को लेकर के उसने एसबीआई चालान जमा करने के लिए बाध्य किया था और उसके ऊपर जुर्माना लग गया था, तो आप इसमें धारा 18 की शिकायत बनाइए। नित्यानंद जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, नित्यानंद जी स्वागत है आपका, बहुत लेट आप जुड़े हैं, स्वास्थ्य वगैरह आपका सही है क्या? हाँ, स्वास्थ्य तो आपका सही है, कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है। ठीक है संत जी, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, मैं कुछ व्यस्त था इस वजह से नहीं जुड़ पाया था। जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। तो हाँ अभी हमारे बीच में मनराय राठौर जी हैं, जय नंदन मातो जी भी हैं, जो अपनी बातें यदि रखना चाहेंगे तो जय नंदन मातो जी भी हमारे सभी कार्यक्रमों में लगभग जुड़ते हैं। मनराय राठौर जी, कोई प्रश्न आपके पास है तो कृपया आप लोग रखें। कुछ नहीं है भाई साहब, आज तो आज नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, आप अपना प्रश्न जब भी आपके पास हो तो आपका स्वागत है आप सभी का, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा आरटीआई लगाएं इस तरह, और आरटीआई लगाकर जनहित के कार्यों
वो आप लोग आगे बढ़ाएं, इसका प्रचार प्रसार करें और अपनी जो भी डाउट्स हैं आप लोग यहाँ पर पूछें। हमारे बीच में जयनंदन महतो जी भी हैं, सर स्वागत है आपका। मुजफ्फरपुर से हैं साथ महतो जी। महतो जी आवाज आ रही है? जी जी, जयनंदन महतो बिहार से हैं। जी जी जी, बताएं बताएं, स्वागत है आपका, बताएं। 12 से अपील चल रहा है, सेकेंड अपील आयोग में। हेलो जी, हाँ अब आपकी आवाज। हाँ सर, आवाज आवाज ही आई। हाँ मतलब 12 से चल रहा है वो सेकेंड अपील आयोग में, 6 बार धारा 12-20 के तहत स्पष्टीकरण मात्र पूछा गया और मैंने कई बार लिख कर दिया। फिर एगो इधर तारीख दिए हुए है, 17-2 को है। हम तो बिहार से बाहर अभी हैं, मेरे कागज भी नहीं है अभी कोई पास में। मामला क्या था आपका महतो जी, थोड़ा सा बताएंगे मामला? कलेक्टर का ऑर्डर किया था, सीओ और डीसीआर का ऑर्डर का पेश कर दिया था, कहा था जमाबंदी जो बनेगा उसको भी पेश कर दिया था, उसी के लाइव में सूचना मांगे। उसके ऑर्डर पर क्या हुआ, वही मांगे, उसके जवाबंदी कैंसिल किया था, उसकी जवाबंदी की कॉपी मांगे थे हम, और जो ऑर्डर किया था उसका कॉपी मांगे थे जो भेज दिया था। और बोल रहे हैं निकाल रहे हैं। मांगे थे सूचना 22-8 बारों को, फर्स्ट अपील किए उसमें भी दे देने के लिए कहा, फिर नहीं मिला तो सेकेंड अपील आए। सेकेंड अपील जो ऑर्डर कलेक्टर का था उसका कॉपी मांगे थे, डीसीएलआर जो उसको रिकॉर्ड भेजा हुआ जो रिकॉर्ड ये थी, जमाबंदी कैंसिल हुआ उस जमा कैंसिल जो जमाबंदी कायम हुआ था उसको मांगे तो वो दीजिए हमको, जिसको कैंसिल कर दिया था उसका आज तक नहीं मिला। अच्छा 685 पेज पर है, इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटर, इट इज इंटेंडेड टू बी इनफोर्स्ड इन इट प्रॉपर पर्सपेक्टिव, इट इज इक्वली सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट द प्रोविजन ऑफ स्टैट्यू इंक्लूडिंग एवरी वर्ड हैव टू बी गिवन फुल इफेक्ट्स कीपिंग द लेजिस्लेटिव intend in mind in order to ensure that the projected object is achieved. In other words, no provision can be treated to have been enacted purposely. Furthermore, it is also a well-settled canon of interpretative jurisprudence that the court should not give such an interpretation to provision which would render the provision ineffective of odious. जो एक्ट में जो कहता है सबका मानने के लिए आयोग तो कुछ मानती नहीं है, 6-6 बार मतलब फिर मांग लेती है धारा 20 का स्पष्टीकरण, कोई कार्रवाई नहीं करती है। और उसी के बाद एक और दिए थे जो रिव्यू पेटिशन था उसका अंश लिख देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट का ही रिव्यू पेटिशन हुआ था, 12 का ऑर्डर है 12 में, उसमें भी लिखे हुए है मतलब कैसे एक्ट करना है कमीशन को, उसका एक थोड़ा पार्ट मेरे पास है। वी ऑल्सो डायरेक्ट दैट व्हेन इवर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट intricate questions of law will have to be decided in the matter coming up before the information commission, he will ensure that the matter is
heard by an information commission who has wide knowledge and experience of inexperience in the field of law. ये सब लिखते हुए हम कहा है कि इसको फुल बेंच में आप रखिए 12/6/19 को हम दिए थे 12/6/19 को दिए हम तो उस पर तो कुछ इस पर कुछ देखे ही नहीं। फिर एक आयोग ने ऑर्डर पास किया था जिसमें अंतिम आदेश दिया था कि अब उसको अंतिम आदेश दिया था कि अतः लोक सेवा पदाधिकारी को पुनः एक अंतिम अवसर उपलब्ध कराते हुए आदेश दिया जाता है कि अगली तिथियों को स्वयं उपस्थित हो अन्यथा आयोग एक पक्षीय निर्णय लेने में बाध्य हो जाएगी। यह हुआ उसके बाद रिटायर्ड चीफ इंफॉर्मेशन में रिटायर्ड कर गए उसकी फिर उसके बाद जो सुनवाई हुई है वही सर उसके बाद सुनवाई हुई है मतलब यह 13/12 को किए फिर उसके बाद लास्ट उसके बाद उसी में ऑर्डर फिर किए हैं ये वर्चुअल कोर्ट सिस्टम से किए सो कुछ होता नहीं है वहाँ तो उसमें फिर धारा 11 के बाद इंस्ट्रक्ट कर दिए धारा 11 में देख ले क्या इसका प्रोविजन है कि नहीं और फिर धारा 20 के तहत मतलब उसे स्पष्टीकरण पूछे हैं यही सब पूछा जा रहा है सिर्फ वही। और फिर 17/2 को उसकी सुनवाई का डेट दियो हम बिहार से बाहर हैं। आप इसमें महतो जी एक ऑर्डर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिसमें उसने रिमार्क किया था कि आयोग कोई कोर्ट नहीं है जो बार बार पेश ही करवाएगा इस तरह से तो या बार बार इस तरह से इनका चलता रहेगा प्रोसीडिंग्स। ठीक है एक बार दो बार उन्होंने नोटिस दे दिया है पीआईओ को उनको जवाब नहीं दिया है तो इतना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है तो आप उसका हवाला दे करके एक बार और फाइनली आप आयोग को लिखें और ये उम्मीद करें कि आयोग काम करेगा और यदि नहीं करता है तो फिर हाई कोर्ट को हाई कोर्ट में जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा तरीका नहीं बचता है क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं। तो हमें तो यही हाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है हमारे ख्याल से नित्यानंद जी के पास ये होगा थोड़ा सा इसमें और प्रकाश डालेंगे। नित्यानंद जी थोड़ा सा बताएंगे इस इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले ऑर्डर को जिसको आयुक्त महोदय ने भी राहुल सिंह जी ने भी इसका साथ मेंशन किया था जिक्र। हाँ नित्यानंद राव से एक और है सुप्रीम कोर्ट का एक वो निकला हुआ है जो वो मतलब 2010 में है 8 SC 885 पेज पर एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जो कोई भी अधिनियम नियम बनता है उसका कैसे पालन करना उसी का इंस्ट्रक्शन दे इसका अगर पूरा कोई हो उसको हमको पार्ट है उसका थोड़ा इसका हाँ, मैं भेज दूंगा आप इस ग्रुप में वो डाल दीजिए क्या है उसका 2008 क्या है वो 2008 का 8 है सीसी नहीं 2010 8 SC 685 ठीक है मैं इसको भिजवा दूंगा आपको जी। अच्छा अच्छा आप अपना मोबाइल मोबाइल नंबर आप महतो जी अपना डाल दीजिए चैट बॉक्स में और मिश्रा जी आप भी अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए तो महतो जी आपसे भी संपर्क कर लेंगे और उनका जेन्युइन मैटर है और काफी बुजुर्ग आदमी है वो परेशान है और आयोग को शायद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी इन चीजों को कंसीडर करना चाहिए लेकिन ये दुर्भाग्य कह सकते हैं पूरे सिस्टम का मतलब गलत ऑर्डर थी जवाबंदी बना दिए हुए हम उसी के लिए नहीं दे रहा है एगो दिया है कि उसे कोई तालुकात नहीं है। नहीं वो सब ठीक है उन्होंने गलत तो कई बार दस्तावेजों में किया जाता है और वो सब आरटीआई में ही चीजें सामने आती हैं लेकिन सवाल ये है कि गलत है जो उन्होंने कर भी दिया है तो आरटीआई कानून के अंतर्गत जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा उससे तो वो बच नहीं पाएंगे। ठीक है यहाँ जवाब नहीं देंगे जब आप कोर्ट में जाएं तो कोर्ट जवाब दिलवाएगा। नंबर लिख ले जाए 9430 नहीं हम तो नहीं हमारा चैट बॉक्स में नहीं जा पा रहे हैं हम। शिवानंद जी लिख लीजिए आदरणीय फिर हमको भेजिए। हाँ बताइए एक मिनट महतो जी थोड़ा सा जय
जयनंदन महतो जी मुजफ्फरपुर मोबाइल नंबर हाँ बताइए 9499 हाँ 3 0 4 3 0 6 3 0 6 6 6 5 6 5 एक मिनट हाँ हाँ 5 6 5 7 2 7 2 चलिए मैं एक बार आपको और रिपीट कर देता हूँ 9 4 3 0 जी एक सेकेंड 9 4 3 0 6 6 5 7 2 राइट जी 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 और इस केस नंबर चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है मिश्रा जी इसको आप थोड़ा सा इनका नंबर आप भी नोट करें और आप अपना नंबर बता दें तो महतो जी नोट कर ले मैं भिजवा दूंगा महतो जी को कोई दिक्कत नहीं देखो सुप्रीम कोर्ट वाला है उसको लिखा सुप्रीम कोर्ट वाला है मैं भिजवा दूंगा महतो जी आपको भिजवा दूंगा अपने नहीं सुप्रीम कोर्ट वाला 2010 का जो है वो क्या 2010 का 8 SCC ना 8 SCC 685 बिल्कुल और नाम केस का नाम क्या है नहीं मालूम है किसका केस का नाम नहीं बताया उस कौन सा केस है वो इतना ही मालूम हमको है सुप्रीम कोर्ट का मालूम है उसी का एक आदमी लिखा है जो हम पढ़े हैं ना जो कि एक्ट बनता है उसको पूरा उसका पालन करना है ठीक है बिल्कुल 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 आदरण नहीं मैं भिजवा दूंगा निश्चित रहिए मैं थोड़ा आज बाहर हूँ नहीं तो मैं अभी भिजवा देता आपको पर मैं थोड़ा सा बाहर हूँ आउट ऑफ स्टेशन हूँ मैं कल आपको भिजवा दूंगा आप निश्चिंत रहिए यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जो अभी दिया है ना वही व्हाट्सएप नंबर भी है बिल्कुल मैं भिजवा दूंगा बिल्कुल भिजवा दूंगा तो ठीक है हमें लगता है कि आज कार्यक्रम लगभग 10:30 हो गए हैं और कार्यक्रम को विराम देना चाहिए यहाँ पर संडे को आप लोग फिर मिले 11 बजे से 1 बजे के बीच में जो हमारी संडे की मीटिंग होती है माननीय सूचना आयुक्तों के साथ में तब तक के लिए फिर नमस्कार नित्यानंद जी फिर इसको बंद किया जाए ठीक है आदरणीय ठीक है हाँ जी जी महतो जी नमस्ते जयपाल सिंह जी अंसारी जी गोस्वामी जी राठौर जी मस्कार जी 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 मुलाकात करते हैं अगले संडे।